2019 काउंसलिंग की क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज अभी भी चल रही हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है, और उन स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट, लास्ट डेट कब तक की है। इसके अलावा कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। माय नेम इज गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि नीट यूजी 2019 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पहले 24 जून 2019 को ओवर होने वाली थी, उसकी डेट एंड टाइम बढ़ाकर 25 जून 2019 सुबह 11 बजे तक की कर दी गई है। 25 जून 2019 सुबह 11 बजे से पहले पहले वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एमसीसी का रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की आखिरी डेट को चेंज नहीं किया गया है, आखिरी डेट एंड टाइम सेम है। 25 जून 2019 शाम को 5 बजे से पहले पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एमसीसी की कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल एक डोमिसाइल स्टेट है। वेस्ट बंगाल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 25 जून 2019 से स्टार्ट होने वाली है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रही है और 26 जून 2019 को ओवर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हरियाणा की 28 जून से लेकर के 2 जुलाई 2019 के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। राजस्थान पे आए तो राजस्थान की लास्ट डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। अगला स्टेप है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आज 25 जून 2019 से स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स राजस्थान के लिए अपनी चॉइस फिलिंग आज 25 जून 2019 से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पे आए तो मध्य प्रदेश की लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रनिंग है, कंटिन्यू है, चल रही है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 27 जून 2019 तक की रखी गई है। 27 जून 2019 रात के 12 बजे से पहले पहले सभी स्टूडेंट्स को अपनी मध्य प्रदेश की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। मध्य प्रदेश के बारे में पहले भी मैंने आपको एक बात बताई है और आज भी दोहरा देता हूं कि मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट होती है, मगर थर्ड राउंड से, मॉपअप राउंड से मध्य प्रदेश की काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो जाती है। फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लोज रहती है। मतलब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अलाउ किए जाते हैं, मॉपअप राउंड से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अलाउ किए जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जिनको भी मॉपअप राउंड अटेंड करना है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में ही उनको अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल 24 जून 2019 को ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। मेरिट लिस्ट 25 जून 2019 को रिलीज कर दी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 26 जून से लेकर 30 जून तक का समय दिया गया है। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब यूपी की रजिस्ट्रेशन करते टाइम में स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। उनके प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे तक पहुंची है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब अपनी पेमेंट की, काउंसलिंग फीस की पेमेंट की, तो उनकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रही है, उनकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट नहीं हो पा रही है और फिर से वापस से उन्हें बैक पेज पर, पिछले पेज पर लेके जाया जा रहा है और फिर से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनकी पेमेंट 2000 रुपीज़ की जो काउंसलिंग फीस है यूपी की हो चुकी है और उनके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि यूपी के सर्वर पर वो अपडेट अभी तक नहीं हुई है, इसलिए आप लोगों का रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है और आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार से ज़्यादा बार काउंसलिंग फीस को की पेमेंट की है, एक बार करनी होती है मगर स्टूडेंट ने घबरा कर कि क्या उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार इस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपनी काउंसलिंग फीस को जमा किया है। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार से ज़्यादा अपनी पेमेंट की है और उनके बैंक अकाउंट से
हर बार वो 2,000 रुपये कटे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने नोड पे जाएंगे, अपने सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसमें खुद का डिटेल देना होगा और ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन करनी होगी कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन आईडी है जिसमें आपके 2,000 रुपये कटे हैं। उस ट्रांजैक्शन आईडी और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको आपका रिफंड, जो एक्स्ट्रा पैसे जो आपने जमा किए हैं काउंसलिंग फीस के नाम पर, वो आपको आपका रिफंड वापस मिल जाएगा। तो ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 जून को ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 जून से ही स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम डेट 28 जून 2019 है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। आखिरी डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 27 जून 2019 है। वहीं एनआरआई कैंडिडेट्स या फिर जो एनआरआई सीटों के लिए क्लेम कर रहे हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए आखिरी डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 28 जून 2019 है। वैसे सभी स्टूडेंट्स जो कर्नाटका अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हुए हैं या जाने वाले हैं, वो अगर करियर मीडिया की टीम से मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके एड्रेस ले सकते हैं और हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहां आप करियर मीडिया की टीम से मिलकर रूबरू होकर अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और अगर आपको हमारी सर्विसेज से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सर्विसेज से भी जुड़ सकते हो। आगे देखते हैं, तेलंगाना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है और लास्ट डेट 28 जून 2019 तक की रखी गई है। आंध्र प्रदेश की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है और आखिरी डेट 28 जून 2019 की रखी गई है। सभी स्टूडेंट्स जो इन स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो सभी अपना अपना रजिस्ट्रेशन 28 जून 2019 से पहले करा सकते हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को अलाउ करती है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए और MBBS से BDS की सीट प्राप्त करने के लिए। छत्तीसगढ़ की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, कंटिन्यू है और आखिरी डेट 27 जून 2019 तक की रखी गई है। एक नई स्टेट जिनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज 25 जून से स्टार्ट हो रही है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी, साथ साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। इसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 29 जून से 1 जुलाई तक का समय दिया गया है। 29 जून से 1 जुलाई के बीच में त्रिपुरा के लिए वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली किया है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में पार्ट लेना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी त्रिपुरा की और मेरिट लिस्ट रिलीज करने की डेट दी गई है 1 जुलाई 2019 शाम के 5 बजे के आसपास। 1 जुलाई 2019 शाम के 5 बजे तक में आप सभी की त्रिपुरा स्टेट की मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया था उसकी लॉकिंग करनी होगी आपको। लॉकिंग करने के लिए आपको 2 जुलाई 2019 तक का डेट दिया गया है। 2 जुलाई 2019 तक में आपको अपनी लॉकिंग भी कंप्लीट करनी है। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो वो ऑटो लॉक हो जाता है, तो उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपको चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंगली फिल करनी है। आप सभी स्टूडेंट्स जो त्रिपुरा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स की रिजल्ट 3 जुलाई 2019 को पब्लिश कर दी जाएगी। आपकी सीट अलॉटमेंट कौन से कॉलेज में आपको कौन से सीट मिली है इस बात का पता आपको 3 जुलाई 2019 को मिल जाएगी। तो ये सारी अपडेट्स थी नीट यूजी 2019 काउंसलिंग की। हमने देखा कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। आपके मन में कोई डाउट हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए अपने क्वेश्चन को, अपने क्वेरी को, या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारी टीम से मिलना है जैसा मैंने आपको बताया तो आप बेंगलोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर विजिट कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस विजिट कीजिए। इसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे ऑफिस का एड्रेस ले लेना होगा और हमारी गाइडेंस सर्विसेज में हम स्टूडेंट्स से 1-to-1 कम्युनिकेशन में रहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को हर एक डिटेल्स उनसे शेयर करते हैं, हर एक नोटिफिकेशन उनके साथ उनके ईमेल आईडी या उनके फ़ोन नंबर पर भेजते हैं। उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट्स में उन्हें अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या कट ऑफ जाती है, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या चॉइस फिलिंग का तरीका रहना चाहिए, कौन से कॉलेजेस को पहले रखना चाहिए, कौन से कॉलेजेस को बाद में रखना चाहिए, इन सभी गाइडेंस में भी हेल्प करते हैं। तो सभी गाइडेंस के लिए आप करियर मीडिया के सर्विसेज से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा।
अगर आप एमबीबीएस से जुड़ी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एमबीबीएस की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस एमबीबीएस की बुक में आपको सभी इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉलेजेस की डिटेल, इनटेक कैपेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस बुक में मिल जाएगी। आप चाहें तो जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स,